नगरी क्यूमिनेंस यूनिवर्सिटी ईसासिनी के सुनसान जंगल में गुरुवार को रात करीब 10 बजे के दरमियान एक नाबालिग पर गैंगरेप का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचशील नगर निवासी मुख्य आरोपी आकाश भंडारी उम्र 25 बताया गया। आकाश के साथ उनके 4 दोस्त पर भी मामला दर्ज किया गया है। बताया गया कि आकाश ने नाबालिग के साथ दोस्ती बनाई, नाबालिग भी उसके जाल में फंसी, लेकिन आकाश नाबालिग का गलत फायदा उठा रहा था, खुद भी दुष्कर्म करता था व दोस्तों से पैसे लेकर नाबालिग से देह व्यवसाय करता था। गुरुवार की रात आकाश ने नाबालिग को सुनसान जंगल में बुलाकर दोस्तों के साथ गैंगरेप किया। बताया गया कि आकाश दोस्तों से पैसे लेकर नाबालिग को उपलब्ध करा रहा था। कुछ दिन पहले भी नाबालिग के साथ ऐसी ही घटना होने से उसे सुधार गृह में रखा गया था। एक महीना हुआ वो लौटी तो फिर दुष्कर्म का शिकार बनी। घटना की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को पता चलती ही MIDC पुलिस को सूचित किया। DB स्कॉट ने तुरंत मौके पर जाकर नाबालिग की जान बचाई। आरोपी को दर्द पहुंचा। बता दे कि नाबालिग को पिता नहीं है, माँ है और एक भाई है। गुरुवार को रात 10 बजे के दौरान की घटना की जानकारी मिलते ही CP, DCP, TIG ने मौके पर घटना का पर्दाफाश किया। 5 आरोपी पर मामला दर्ज करने की जानकारी अपर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने दी। PI उमेश बेसरकर ने आरोपी आकाश भंडारी के साथ 4 आरोपियों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। एक MIDC पोलीस स्टेशन मध्ये काल सायंकाळी 11:30 च्या दरम्यान अशी माहिती मिळाली की एक मुलगी आहे आणि तिचा जो प्रियकर आहे ते दोघे ईसासिनी भागातून जे मिहानकडे जाणारा रस्ता आहे त्या रस्त्यावर बसले होते 8 ते 8:30 दरम्यान। तर त्या दरम्यान काही अज्ञात मुलांनी 3 मुलांनी येऊन त्यांना पकडले आणि तिच्या मुलीच्या मित्राला मारहाण करून त्याला हाकलून दिले व मुलीसोबत जबरी संभोग केला अशी तक्रार दिली। त्यानंतर पोलीस सर्व यंत्रणामार्फत ज्यावेळेस तपास करण्यात आला तर त्यामध्ये असा उघडकीस झाला की सदर मुलीचा जो जी ती सांगते की माझा 2 वर्षापासून ओळखीचा जो मित्र आहे प्रियकर त्यांनीच तिला तिथे घेऊन आला होता आणि काही मुलांना त्यांनी कडून पैसे घेतले होते की त्या मुलीसोबत ते शारीरिक संबंध करण्यासाठी त्यांनी ते त्यांच्या मित्राला सुद्धा सांगितलं होतं। 2 दिवसापूर्वीसुद्धा अशाच प्रकारे मित्रांना घेऊन आला होता आणि ते मुलीसोबत शारीरिक संबंध करायला लावले। BCN न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।